What's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox के अंदर Navy Tycoon. And guys, आप लोग देख सकते हो हम लोगों को यहाँ पर अपना पूरा बेस बिल्ड करना है और एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आर्मी क्रिएट करनी है. And as you can see, हम लोगों ने अपना कमांड सेंटर यहाँ पर लगा दिया है जिससे अपन लोग सारे ट्रूप्स को कमांड कर सकते हैं. और गाइज, अभी बस पैसा कमाने के लिए हम लोगों को फैक्ट्रीज लगानी बाकी है. So let's get started. और ये देखो भाई, हर बंदे को ना यहाँ पर एक आईलैंड दिया गया है गाइज, जिसपे उसको अपना मिलिट्री बेस बनाना है, नेवी बनाना है, पूरा का पूरा नेवी बेस. और यहाँ पर हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर के हवाई जहाज और इनफैक्ट यू नो सारे के सारी चीजें बनाने वाले गाइस, हेलीकॉप्टर तक. तो रेडी हो जाइए विदाउट एनी फर्दर अडू. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो गाइज आप लोग देख सकते हो काफी सारा पैसा हमारे अकाउंट पे यहाँ पर आ चुका है. एंड ओ माय गॉड, बाकी सारी कंट्रीज में तो बहुत जबरदस्त वॉर हो रही है गाइज. लेट्स सी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं. ओके, तो मेरे पास तो भाई पैसा ही नहीं है यहाँ पे गाइज अपग्रेड करने के लिए. थोड़ा इंतजार करते हैं भाई, पैसा तो आ ही जाएगा अपने अकाउंट में. एंड लुक एट दैट, $1000 हो गए गाइज. अब टाइम है अपग्रेड करने का. और ये देखो भाई, हम लोग अपनी बिल्डिंग को अपग्रेड कर पा रहे हैं $1000 में. एंड फटाफट से वो पैसा वापस आ जाएगा. ओके, लेट्स गो. गैराज हम लोग अपग्रेड कर देते यहाँ पर. एंड हमारा कमांड सेंटर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है. ऑलराइट, तो गाइज आप लोग देख सकते हो सैटेलाइट डिशेस वगैरह इंस्टॉल कर दी हम लोगों ने. एंड भाई आज मौसम जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है गाइज, लेकिन समुद्र में हर दिन ऐसा मौसम नहीं रहने वाला है. तो देखते हैं चॉप के आइलैंड पर क्या हो रहा है. तो भाई यार, यहाँ पे तो भाई सारे के सारे एनिमी प्लेन्स ने हमला कर दिया फॉक्ट भाई. अरे दोस्त, एनिमी प्लेन्स का क्या है भाई, वो तो डेली हमला करते हैं. अगर तुम्हें एनिमी प्लेन से बचना है तो तुम्हें एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने होंगे और उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर गाइस अपने को फाइटर जेट्स डिप्लॉय करने होंगे. फॉक्ट भाई यार, क्या मजाक उड़ा रहे हो भाई, यहाँ पे यार अपने पास पैसे ही नहीं है भाई, कैसे बनाएंगे अपन लोग एयरक्राफ्ट कैरियर. अरे दोस्त देखो, पहले हाउसिंग कैपेसिटी भाई इंक्रीज करनी पड़ेगी. जितने ट्रूप्स हम लोग यार एक बटालियन के अंदर रख सकते हैं उनको यहाँ पर बढ़ाना होगा. और वो कैसे बढ़ेंगे भाई, अपने को स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे. देख रहे हो गाइज, और गाइज ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर. इसके अंदर भाई इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और भाई पैसे बहुत सारे आ रहे हैं. देख रहे हो एक सेकंड में $175. और भाई ये पैसे बढ़ते ही जा रहे भाई, तुरंत $1000 पहुंचा दिया. एंड गाइज जब इतने सारे पैसे हमारे अकाउंट में आ रहे तो चलो भाई थोड़ा और अपग्रेड किया जाए. ओके, तो सबसे पहले तो गाइज अपन लोग यहाँ पे डॉक्स अनलॉक करते हैं, क्योंकि भाई बिना डॉक्स के हमारी शिप यहाँ पर रवाना नहीं हो पाएगी समुद्र के लिए. और ये देखो भाई अपन लोग ने डॉक्स बना लिया है गाइज. एंड अब धीरे धीरे यहाँ पर हमारे यू नो सारे के सारे बोट्स आएंगे और सबमरीन बेस भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रोबक्स लग रहा है. सो या आई डोंट वांट टू स्पेंड एनी रोबक्स. ओके, ये क्या है, एयरबेस लैंडिंग पैड. भाई यार यहाँ पे तो एयरपोर्ट बन गया भाई. ये देखो गाइज अब हम लोग यहाँ पर से एयरप्लेन्स उड़ा सकते हैं और भाई एनिमी टेरिटरी में अटैक्स कर सकते हैं, मतलब बॉम्बर प्लेन भाई यहाँ पे अपन लोग बनाने वाले गाइज. ओके, तो अब देखो भाई अब जो पैसा का रेट है वो और भी बढ़ चुका है, लेकिन ये ज्यादा तभी बढ़ेगा ना जब आप जो पैसा जनरेट करने वाले जनरेटर्स हैं उनको अपग्रेड करते हो. और हम लोगों ने भाई फैक्ट्रीज पे ही सारा पैसा लगा दिया है गाइज. अपन लोग अभी अपनी आर्मी नहीं बड़ा करने की कोशिश कर रहे, पहले पैसा होना चाहिए भाई, तब आर्मी बड़ा करेंगे अपन लोग. ओके, तो गाइज बेस जो है धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया यार मेरा. तो भाई मेरे पास तो यार आपसे ज्यादा ट्रूप कैपेसिटी है भाई. अच्छा, कितनी कैपेसिटी लेके घूम रहे हो दोस्त, जो इतना घमंड चढ़ गया है तुम्हें. भाई यार मेरे पास 10 लोगों की कैपेसिटी है भाई. अरे बस 10 भाई, अपन लोग की 7 ऑलरेडी हो चुके हैं, बस 3 लोग तो बचे, उसके बाद देखो कैसे तेरे को पीछे करता हूँ. ओके, सो लेट्स गो गाइज, यहाँ पर और अपग्रेड हम लोगों को करने के लिए फंड मिल चुके हैं. तो अभी क्या अपग्रेड किया जाए गाइज, मतलब $3000 में यार अपन लोग ये साइड फसाड लगा सकते हैं हाउसिंग में. और इससे क्या है, हमारी ट्रूप कैपेसिटी +1 हो जाएगी, मतलब हमारी आर्मी जो है वो 8 की स्ट्रेंथ हो जाएगी गाइज. लेकिन फिलहाल हम लोगों के पास अटैक करने के नाम पे भाई लिटरली सिर्फ बोट्स है. ये देख रहे हो समुद्र के किनारे हमारे बोट्स खड़े हैं गाइज, ये सारे के सारे बोट्स इंतजार कर रहे हैं कि हम पे कब अटैक होगा और ये अपने को डिफेंड करेंगे. बट आई एम टेलिंग यू गाइज, इतना आसान नहीं होने वाला है हमारा ये जंग जीतना, अपने को भाई खून पसीना लगाना पड़ेगा भाई, इतनी आसानी से थोड़ी जीत जाएंगे. भाई इधर देखो भाई, इधर 12 पीटी हो गई, जल्दी आओ फॉस्ट भाई. अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं. ये देखो जरा क्या हो गया भाई यहाँ पे लोगों का. ओ ये देखो गाइज, हम लोगों का ऑयल रिग किसी और ने कैप्चर कर लिया है भाई, दुश्मन फोर्सेस. रुको अभी तुम्हारी बैंड बजाते अपन लोग, हमला करो ट्रूप्स, इनको छोड़ना नहीं है भाई, इनको जिंदा नहीं वापस जाने देंगे. और ये देखो यार अपन लोग पानी के ऊपर चल सकते हो गाइज, कितना बड़ा समुंदर है भाई ये, और किसने कैप्चर करके रखा है भाई सेंटर. ओ माय गॉड गाइज, ये आर्मी जरा देखो तुम, नहीं नहीं देखो भाई इतनी सारी बोट्स यहाँ पे क्या कर रही है. अगर ये चाहे तो भाई एक कंट्री डुबा सकते हैं, मेरे को नहीं रहना भाई उनके बीच में. आओ भाई वापस चलते हैं भाई, अपने को भी वैसी आर्मी बनानी है गाइज. एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि भाई इस वीडियो के एंड होने तक हम लोगों की उससे बेटर आर्मी होगी, इतनी मस्त आर्मी बनाएंगे ना गाइज कि चॉप तक को अपन लोग चैलेंज कर सके. वेल फिलहाल के लिए
तो भाई मेरे को चैलेंज तो छोड़ो, लिटरली अपना खाने के लिए पैसा का प्रॉब्लम हो चुका है। तो जल्दी से यहाँ पर यार हम लोग अपग्रेड करते हैं अपने इलेक्ट्रिक वाले को, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए यार। देख रहे हो ये चीजें सस्ती नहीं है भाई, $5,000 व्हाट द हेल मैन, इतना पैसा तो ये देगा नहीं। लेकिन गाइस $5,000 के बहुत करीब है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं एंड उसके बाद हमारे पैसे हो जाएंगे। ऑलराइट कम ऑन भाई, ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा सा और। ऑलराइट 4,600 एंड गाइस ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा हाँ बाय द वे यार, वीडियो लाइक कर दो यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, और हाँ चैनल पे सब्सक्राइब मतलब भूलना मत भाई। 5 मिलियन बहुत ज्यादा पास है एंड ये देखो $5,000 भी हो गए, लेट्स गो। ओके तो अब काफी मजा आ रहा है भाई, अब लग रहा है ना बेस, अब ऐसा लग रहा है गाइस अपन लोग अटैक पोजीशन में रेडी हो चुके हैं। ऑलराइट लेट्स गो। ये जितने भी मिलिट्री वाले होते हैं ना यार टाइकून, सारे जबरदस्त होते हैं भाई, एक से बढ़कर एक होते हैं। ओके तो गाइस ये देखो हमारी आर्मी भाई अब लगता है धीरे धीरे अटैक कर रही है एंड जो सामने वाला ऑयल रिग है ना उसको अपन लोग ने कैप्चर कर लिया। ये देखो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है, वाह भाई ये हुई ना बात। चलो अटैक करो भाई, रुकना नहीं है भाई अपने को, पूरा समुद्र पे अपना ही नाम होगा। और ये क्या टरेट, अरे भाई बहुत महंगे भाई, ये डिफेंस के लिए तो बहुत बढ़िया है लेकिन गाइस ऐसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो भाई यार अपने ट्रूप्स को कहां भेज रहे हो भाई, देखो आप पे अटैक हो रहा है दोबारा। अरे नहीं पायरेट्स ने हमला कर दिया तुम्हारी, ऐसे की तैसे इन बोट से कैसे लड़ेंगे भाई, ये तो यार छोड़ेंगे ही नहीं। देखो कैसे पीट रहे भाई मेरे बंदों को, अबे माफ कर दे भाई क्या कर रहा है, फाइटर जेट से मार रहा है भाई मेरे को। गाइस यहां पे अन्याय हुआ है भाई तुम्हारे फ्रॉस्टी भाई के साथ, इसका बदला लिया जाएगा लेकिन अभी तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता है। बाय बाय ऑयल रिग जो भी तुम्हारा नाम है, जब वापस आएंगे भाई अपन लोग कैप्चर करने, डोंट वरी गाइस, तुम्हारा फ्रॉस्टी भाई इतनी जल्दी हार नहीं मानने वालों में से, ठीक है। अरे भाई ये कहां घुस गया, अबे फाइटर जेट वाले भैया इधर मत आओ यार, इधर पिटाओगे बहुत बुरी तरीके से। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, थोड़ा और अपग्रेड खेलते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके ओ एक सेकंड, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर $30,000 का है भाई, यहाँ पे तो लूट रहे यार सरे आम। चलो भाई मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा गाइस। अपन लोग अब सीधा वीडियो के एंड में मिलते हैं जब भाई मैक्स आउट बेस हो चुका होगा हमारे पास। ऑलराइट तो गाइस एज यू कैन सी हम लोग भाई अमीरों के अमीर एकदम प्रोएस्ट ऑफ द प्रोज बन चुके हैं, क्योंकि अपनी बेस देखो भाई तुम, नहीं तुम देखो भाई एक बार, देख रहे हो कितना कुछ अनलॉक कर लिया। ये भाई हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री, उसके बाद टैंक बनाने वाली फैक्ट्री, एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री, गाइस हर टाइप की फैक्ट्री तुम्हारे भाई ने यहाँ पे अनलॉक कर लिया है। पैसे की बारिश हो गई भाई, देख रहे हो $20,000 है हमारे पास। एंड यू गाइस जस्ट वेट यार, मैं आपको दिखाता हूँ भाई अभी कितना आगे जाएंगे अपन लोग। और तो और गाइस अभी ना मेरे को चॉप ने गाइस चैलेंज किया है, तो अभी अपन लोग थोड़ी देर में यू नो प्रिपेयर कर रहे हैं बैटल के लिए, अपन लोग भी जाएंगे उससे लड़ने, उसको दिखाएंगे भाई कि क्या होते हैं जब प्रो लोगों से तुम पंगे लेते हो। ये देखो भाई उसने सारे के सारे कैप्चर करके रखे ऑयल रिग्स, क्या भाई कितना प्रो हो गया तू। तो भाई जब आप नहीं थे तो मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया भाई, मेरी आर्मी देख रहे हो कितनी बड़ी है। अरे हाथ दिखाई तो दे रही है दोस्त, काफी बड़ी आर्मी बनाई है तुमने वैसे, कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, बट आई एम सॉरी टू से कि फ्रॉस्टी भाई इज बैक। और हम लोगों ने अपनी आर्मी को डाल दिया है गाइस अटैकिंग मोड पे, और आप लोग देख सकते हो हमारी आर्मी ने भाई यहां पे चुटकी बजाते के साथ इस ऑयल रिग को कर लिया है अपना। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्शन। ओके लेट्स गो भाई, अब ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। यहां पर ये क्या है, हैवी 50 कैलिबर टरेट, ओ भाई अब बताते तुम्हें, चॉप के बच्चे हीरो बन रहे थे ना तुम, अब देखो भाई हमारी आर्मी अब तुम्हें बताएगी क्या होता है असली पावर। ओके लेट्स गो, इनको भाई मारा पीटी करने दो, अपन लोग चलते हैं बेस में वापस और चेकआउट करते कुछ अपग्रेड करने के लिए है कि नहीं। वैसे यार सारी चीजें तो हो गई थी बेसिकली, ये वॉल देख रहे हो, ये वॉल ही गाइस अपने को लेवल 2 की करनी है ताकि हम लोगों को यार डिफेंस मिल सके एकदम नेक्स्ट लेवल वाला गाइस। ऑलराइट लेट्स गो, इसको फटाफट से अपन लोग फोर्टिफाई कर देते हैं। ये हो गया, अबे रुक जा भाई कितनी तेजी में जा रहा है। ऑलराइट ये भी हो गया भाई, इसके ऊपर देख रहे हो लेजर लगते जा रहे गाइस, ऐसे बस आगे बढ़ते जा रहा है गाइस, रुकना नहीं है अपने को। लेट्स गो, एक और हो गया, कम ऑन भाई, पीछे वाला पूरा पार्ट करके जाऊंगा भाई मैं अभी। भाई यार मैंने तो कब का कर लिया भाई वॉल, अभी रुको मैं आपकी ट्रूप को मारता हूँ भाई। दोस्त इसमें बॉम्ब नहीं गिरा सकते, तो याद रखियो अपन लोग भाई हमारी आर्मी साइज गाइस ज्यादा है, देख रहे हो 62 में से 61 लोग जो है हमारे डिप्लॉयड है एंड एक बंदा आई थिंक अभी रेस्ट पर है, वो आएगा गाइस लड़ने के लिए, डोंट वरी। जब आर्मी ड्यूटी कॉल्स तो सब बंदे आते हैं, टेंशन मत लो। और ये देखो भाई $7,000 बचे सिर्फ मेरे पास, सारे पैसे खत्म हो गए भाई वॉल अपग्रेड करने के चक्कर में। ऑलराइट लेट्स गो, देखते हैं कैसा बैटल हो रहा है गाइस अंदर में। ओ माय गॉड कितने बंदे मार दिया भाई हम लोगों ने, देख रहे हो भाई चीटी के जैसा लड़ाई हो रही है भाई एक दूसरे में। लेट्स गो हम लोग भी एक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड व्हाट इज दिस, एक सेकंड, मेरे पास पता है गाइस पूरा मैप है यहां पर यार, अपन लोग इससे चाह के लोगों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये देखो ओ ओके, तो आई थिंक मैं इससे ना ट्रूप्स को डायरेक्ट कर सकता हूं कहां पे हम लोगों को अटैक करना है। एंड अपन लोग अभी करेंटली सेंटर को जो है गाइस पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स है ना इन पे ऑलरेडी चॉप ने अपना दबदबा बना लिया है गाइस, तो हम लोगों को चॉप को ढकेल करके उसी का बेस कैप्चर करना है। सो लेट्स गो गाइस, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, बट इतनी मारा पीटी के बीच में भाई हम लोगों ने भाई यहां पर इतना मार किया भाई। ये देखो चॉप का बेस भी हमारा,
हो गया भाई, सेंटर भी हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया एंड हमारी आर्मी हर जगह भाई छा चुकी है। मतलब भाई बेसिकली पूरा गेम कंप्लीट कर दिया तुम्हारे भाई ने यार, टॉप प्लेयर बन चुके हैं। लॉबी में जो नंबर वन प्लेयर है फ्रॉस्टी भाई का नाम है उसके ऊपर भाई यार ये लोग वापस कैप्चर कर लूंगा भाई मैं। अबे वापस कैप्चर कर लिया, लेकिन खैर हटाओ गाइस अब फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फ्रॉस्टी।